खाता मत मानना, 10 वीडियो बना रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ कबीरधाम 77, देख ही रहे पूरा दुकानदारी सजे हुए हैं। यहाँ पे नारियल प्रसाद ये सब की दुकानें हैं। रुद्राक्ष का पेड़ है, यहीं पे बलि लिया जाता है। पूरे दुकानें सजे हुए हैं मिठाई के। राम राम भाई, राम राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 9:35 हो रहे हैं। देन गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ बेमेतरा। बेमेतरा से पहले आप लोगों को संडी देखने को मिलेगा। संडी एक गांव है जहाँ पे सिद्धि माता विराजित है। होली से पहले वहाँ पे बलि प्रथा चलता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो बलि देते हैं, और बलि देने के बाद वहीं पे खाना वाना बनाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी लोगों को देते हैं। हम आप लोगों को ये बलि प्रथा और माता रानी का दर्शन कराने वाले हैं। मॉर्निंग के वही 10:45 हो रहे हैं और देख रहे धूप बहुत ज्यादा तेज धूप है। वैसे मॉर्निंग को हम लोग आजकल क्या क्रिकेट खेलते हैं, सुबह सुबह अच्छा खासा ठंड रहता है। पेट्रोल डलाता हूँ मैं, ये नया पेट्रोल पंप खुला हुआ है कि पेट्रोल है वैसे, लेकिन आते समय डलाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही डला लेता हूँ। वीडियो बनते हैं ना, इसी के लिए तो जा रहा हूँ। हाँ वीडियो बनता है ना, 505 का कल तक मैंने ब्लॉग्स राहुल में आएगा, सर्च मारो ना ब्लॉग्स राहुल। हम लोग का न्यूज़ बनाओ ऐसे कर, और डरने वाले नहीं है ना हम भी किसी बात। हाँ तो जब गलत नहीं करोगे तो डरने वाली क्या बात है। यहाँ पे सिग्नल पे खड़ा रहना पड़ेगा, सामने में मॉल, तो वैसे तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा भाई, सब निकाले पड़े हैं। तो इस तरह से ही दुर्घटना होता है, देख रहे भाई को कितना जल्दी पड़ा हुआ है। यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े कॉलोनी बनते जा रहे हैं। इधर देख रहे हो शुभम के मार्ट, भिलाई सिटी का अलग से व्लॉग बनाएंगे यार। तो गाइस अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो दुर्ग सिटी के लिए निकल जाएंगे, और राइट अपन जेवरा सिरसा, जेवरा सिरसा के बाद में धमदा शहर होते हुए अपन चलेंगे। धमदा जाने वाले रूट देखो यार, क्या ही गजब का रूट है, पूरे पेड़ पौधे से ढका हुआ है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा शरीर को। गाइस तो ये सीनाथ नदी क्रॉस करके अपन आगे बढ़ेंगे धमदा सिटी के लिए। ये देखो सीनाथ नदी का पानी कम हो गया भाई, काफी हद तक कम हो गया है। ये है धमदा शहर, देख लो भाई धमदा शहर भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। इतना दुकान नहीं थे, अब के डेट में देखो कितने सारे दुकान खुल गए हैं। सिटी का ब्लॉग देखना है कमेंट छोड़िएगा, प्रॉपर जानकारी देते हुए अपन ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी अपने को ना सीधे सीधा जाना है बेमेतरा, क्योंकि हम लोग गंडाई जाते हैं ना, तो हम लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। बताता हूँ कहाँ से मुड़ना होता है, कवर्धा जाएंगे तो सीधा भी जा सकते हैं, गंडाई होते हुए भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कबीरधाम 77, धोरमदेव 93, और ये लेके जाती है सीधा बेमेतरा। बेमेतरा जाने वाले रूट को भी हाल ही में बनाया लग रहा है, देख रहे हो मस्त एकदम चकाचक दिख रहा है देवकर। तो अभी हम पहुंच गए देवकर में, देखो देवकर भी अच्छा खासा शहर बनते जा रहा है। यहाँ भी चाय नाश्ता तो मिल ही जाएंगे आप सभी को। होता क्या कि मॉर्निंग में अधिकतर लोग निकलते हैं ना, तो चाय नाश्ता कर नहीं पाते हैं, घर में इतना मॉर्निंग में बन ही नहीं पाता है। देवर बीजा, तो गाइस इस जगह का नाम है देवर बीजा। देखो यहाँ पे सब लाइन लगा के रखे हुए हैं, सहकारी बैंक, अच्छा खासा भीड़ है भाई सहकारी बैंक में। इसके बाद ही अपने को रास्ता चेंज करना पड़ेगा सिद्धि माता के लिए। जय माँ सिद्धि, तो यहाँ से अपने को अंदर घुसना है सिद्धि माता मंदिर के लिए। संडी गांव होते हुए पतली सी रूट है, इस रोड को छोड़ना नहीं है गाइस, जहाँ पे मुड़ना रहेगा मैं आप लोगों को बतला दूंगा। वह तालाब में भाई बदस पानी भरा हुआ है, देखो तो यहाँ पे खाना वाना बना कर खा पी रहे हैं।
देख रहे हो जगह जगह पे इस तरह से देखने को मिलेंगे। वो सामने में दिख रहा है मंदिर, पूरा खेत खलियान है। खेत खलियान के बीच में ही माता रानी प्रकट हुई है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती। बकरा बलि दिया जाता है, जिसकी जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो सब बलि देते हैं। बलि देने के बाद में प्रसाद के रूप में यहीं पे बनाकर खाकर फिर घर जाते हैं, उसको लेके घर नहीं जा सकते। फुल मेला जैसा माहौल रहता है, देख लो अभी से ही, अभी दोपहर के वही 2 बजने को है और अच्छा खासा माहौल है। और रात्रि के दिनों में भाई यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होता भाई। बाकी अब देख ही रहे हैं, पूरा दुकानदारी सजे हुए हैं, कुछ लोग यहीं से जा रहे हैं, जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है वहाँ तक ले चलते हैं, उसके बाद तो फिर पैदल ही जाना है अपने को। कड़कती धूप में भाई दुकान लगाए हुए हैं, ये तो सब यहाँ पे बना रहे हैं, खा रहे हैं। अधिकतर तो बकरे की ही बलि दिया जाता है यहाँ पे। देख रहे पूरा खेत खलिहान में, बाप रे अलग ही रौनक रहता है लेकिन यहाँ पे। और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए दुनिया जहाँ से लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं। और कहा जाता है जिसकी संतान नहीं होती है तो बस आप यहाँ आइए, मन्नत मांगिए, दर्शन करिए, आपको संतान की सुख की प्राप्ति भी होगी। और इसीलिए मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बस गाड़ी वाई देख रहे हैं कहाँ पर अपन गाड़ी लगा सकते हैं। हाँ मैं भी यहीं डालूँगा यार गाड़ी अपना, ये सामने में मंदिर है, यही रखते हैं अपनी गाड़ी अंदर। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्धि माता मंदिर। यहाँ पे गाड़ी आप पार्किंग कर सकते हैं, अंदर तक लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अभी भीड़ थोड़ा सा कम है। जैसे जैसे शाम होते जाएगा भीड़ यहाँ पे बढ़ती जाएगी। वैसे मॉर्निंग का अधिकतर भीड़ रहता है। पहले माता का दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे कहाँ पर बलि दिया जाता है। बलि प्रथा जो है होली से पहले ही चालू हो जाती है और होली के बाद भी चलती रहती है, पूरा नवरात्रि तक ये चलेगा। और बाकी देख लो नवरात्रि जैसे स्टार्ट होगा ना तो यहाँ पे क्राउड भी बढ़ जाएगा और दुकानदारी भी बढ़ जाएगी। बाकी ये देखो ये है मेन मंदिर और अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है। खाली रहता है ना तो अंदर तक गाड़ी लेकर हम जा सकते थे अभी, लेकिन क्या है भीड़ है करके अंदर तक लेकर नहीं जा पाएंगे। तो नवरात्रि की तैयारी चल रही है, देखो यहाँ पे सी बने हुए हैं, उसको पेंट किया जा रहा है। यहाँ पे रानी का दर्शन करेंगे, उससे पहले इस तरह से दुकानदारी देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ भी मंदिर है, उधर भी चलेंगे, कुमकुम सिंदूर बोगस के दुकाने हैं, इससे में पूरा दुकानदारी लगा रहता है। भाई लोग तो अंदर ही लेके आ गए हैं गाड़ी अपना, तो चलते जा रहे हैं आप लोगों को फुल माहौल दिखाते हुए। और देखना ये है कि मंदिर अंदर का बना है कि नहीं बना। उस समय आए थे ना तो मंदिर का काम चल रहा था, अभी कितना बन गया वो देखने वाली बात है, क्योंकि हर साल आना होता है यहाँ पे हमारा। बाकी टैटू के बहुत सारे दुकानें हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नारियल प्रसाद ये सब की दुकानें हैं, यहाँ से जब खरीदारी कर सकते हैं। और माला वगैरह के भी दुकानें सजे हुए हैं, वैसे यहाँ भी दुकानें सजे हैं। जो माहौल नवरात्रि में रहता है वो माहौल अभी नहीं रहता। अभी जितने भी भक्तगण आते हैं सब अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं, और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है फिर वो बकरे की बलि देती हैं। वो स्थान भी आप लोगों को दिखाएंगे। जो पेड़ दिख रहा है ये रुद्राक्ष का पेड़ है, यहाँ पे नारियल ले लेता हूँ। लपेट के नारियल 20 नारियल ले लिया मैं, और जूता होती। तो माता रानी का घर बैठे दर्शन करिए, सब अंदर में घुस के दर्शन कर रहे हैं। देखो भक्तगण धीरे धीरे आते ही जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा था, फैमिली अंदर में घुसे हुए थे, माता रानी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी और बच्चे लेके आए हुए थे। माता रानी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं ना तो मैं तो बोलूँगा एक बार जरूर यहाँ आइए, माता रानी का दर्शन करिए, मन्नत मांग सकते हैं। काफी सारे लोगों का मनोराध पूरी होती है, सिद्धि माता रानी बहुत ही ज्यादा फेमस है। सब भक्तगण बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे अगरबत्ती आप जला सकते हैं, यहाँ भी माता रानी है, घर बैठे दर्शन करिए। तो इस माता रानी का दर्शन करके हम बाहर निकल गए हैं, अब बाहर का थोड़ा सा मेला दिखाते हैं। तो ये जो वृक्ष आप लोगों को दिख रहा है ना, रुद्राक्ष का पेड़ है। ये देखो यहाँ के पंडित से मैंने पूछा तो बताया था कि ये रुद्राक्ष का पेड़ है करके, इसलिए ये इसको अच्छे से बना के रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे काफी सारे मंदिर है, जैसे कि एक शिवलिंग है, शंकर भगवान भोले हैं,
हनुमान जी है, यहाँ पे छोटे मोटे मंदिर है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मैंने दर्शन करा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ का थोड़ा मार्केट देखते हैं, दुकानदारी, और उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंदूर है काफी सारे, देखो यहाँ पहाड़ बना के रखे हुए हैं और काफी धूप में बैठे हुए हैं यार। जगह जगह पे गन्ना रस, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो जगह जगह पे आपको गन्ना रस देखने को मिलेगा। और इस साइड बलि प्रथा चलता है, मतलब इसी साइड में देते हैं बलि, दिखाते हैं हम सभी को। यहाँ पे सब दुकान लगे हुए हैं, हालांकि उतने दुकान ही लगे हैं जैसे कि मेला में लगता है, लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ तो लगा है भाई। और यहाँ पे गन्ना रस 10 रुपए का गिलास मिलता है, यहीं पे बलि दिया जाता है। देखना यह है कि अभी बलि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फिर दादा लोग सब बैठे हुए हैं, यहाँ भी माता रानी है, यहीं पे बलि दिया जाता है, इनका भी घर बैठे दर्शन करिए माता रानी का। जय माता दी। और ये अंदर में होता है बलि, यहीं पे काटा जाता है, यहाँ पे स्मेल भी आ रहा भाई तगड़ा। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि सुबह ही आते हैं बलि देने के लिए या फिर शाम तक चलता, तो बता रहे थे कि शाम तक चलता है, हम भी वेट करेंगे, तब तक आप लोगों को मार्केट थोड़ा सा घूमकर दिखा देते हैं भाई। तो ये देखो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग गन्ना रस पिला रहे हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर मिले थे अपने को भाई गन्ना रस पिलाए, वो अच्छा लगा। वैसे भी मैं सोच रहा था कि गन्ना रस पीऊंगा करके, क्योंकि पानी पास लगी हुई थी मुझे। इस तरह से पूरे दुकानें सजे हुए हैं, मिठाई के मिक्सचर हो गए ये देखो, और अभी भी दुकानें सब सजी रहे हैं, जितने भी अभी खाली आपको दिख रहे हैं ना, सब में दुकान लग जाएंगे भाई साहब, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पे बताया ना पैर रखने के लिए जगह नहीं होता है, और दुकानदारी से पूरा ये भर जाता है। अभी भी देख रहे हो सब दुकान लगा के पहले से रखे हुए हैं, पहले से बलि प्रथा चालू हो जाती है। उस बार आया था ना तो होली के बाद ही आया हुआ था, लेकिन नवरात्रि के दिनों में आओ यूट्यूब बनाता ना भाई। राम राम भाई, राम राम, जय राम। और यहाँ पे भैया, हाँ भैया सब बढ़िया। देखो यहाँ पे सब गुपचुप खा रहे हैं भाई साहब, और ये यहाँ पे बैग के दुकानें सजे हुए हैं, और इधर देख लो अभी खाली है, आने वाले समय में यहाँ भी पूरे दुकानदारी लग जाएंगे। छोटे बच्चे लोगों के लिए सैंडल जूती, बड़े लोगों के लिए भी है। ये देखो इस तरह से पूरे दुकान सजे हुए हैं, जहाँ पर आपका मन करे वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। बेमेतरा यहाँ से मात्र वही 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से अपन जा सकते हैं ऊपर मंदिर के लिए। हमें कंगन मिल जा रहे हैं 50 में 30 में, और जगह जगह पे गन्ना रस के दुकान सजे हुए हैं। गाइस हम ना यहाँ बाहर निकल गए हैं, यहीं से हम लोग गए थे मंदिर के लिए, अब हम रिटर्न हो रहे हैं और ऊपर चलेंगे, ऊपर में भी मंदिर है, यहाँ से जाने का रास्ता है बना हुआ है, चलते हैं ऊपर दिखाते हैं। ऊपर में रथ बना हुआ है, देखते हैं, अच्छा दिखता है भाई ऊपर से व्यू। बाकी देखो खिलौने की दुकान है इस साइड में, साकी करधन, और यहाँ पे वही चूड़ी कंगन की दुकान सजी है, यहाँ पे तुलसी चौरा है। इन लोग को भक्तगण दर्शन करके वापस हो रहे हैं। चल गाड़ी में, कुमकुम में आई, क्या मस्त दिखता भाई, इस तरह से सजा के रखे हुए हैं। तो भाई देखो यहाँ ऊपर में अपन चलेंगे, अभी ऊपर में काम चल रहा है, छत पे आ चुके हैं, और ये शानदार सा मंदिर अभी बनी रहा है। जूते चप्पल बाहर में छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी भगवान विराजित है, रथ बने हुए हैं, यहाँ पे पंडित जी भी हैं। देखो कितना सुंदर सा रथ बना हुआ है गाइस, तो देखो यहाँ पे बहुत प्यारा दृश्य है, सामने में देखो फूल मेला जैसा माहौल है। हालांकि अभी कड़कती धूप है, जितने भी लोग आए हैं सब खाना बनाकर खा पी रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग। आगे में तो पूरा दुकानदारी आप लोगों को मैं दिखाते हुए आया हूँ, ज्यादा कुछ दुकान तो लगे नहीं है, हमने गाड़ी यहीं पे रखा हुआ है। गाइस तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब।